साउथ के साथ ही बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाली सुपरस्टार श्रीदेवी से जुड़ा एक बेहद मज़ेदार किस्सा है जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे दरअसल श्रीदेवी का कई स्टार्स के साथ कनेक्शन था लेकिन रजनीकांत के साथ उनकी स्पेशल बॉन्डिंग थी उन्होंने न सिर्फ़ जेलर अभिनेता के साथ फ़िल्में की बल्कि एक बार उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड के लिए सात दिनों तक व्रत भी किया लेकिन ये भी सच है कि एक बार वे उन पर थूक भी चुकी थी ये बात है तमिल फ़िल्म सोलह की और फिल्म में श्रीदेवी कमल हासन और रजनीकांत लीड रोल में थे ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दौरान सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि एक्ट्रेस को ये सब करना पड़ा सोलह वयाथिनिले उन्नीस 1977 में तमिल फ़िल्म उद्योग की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी फिल्म श्रीदेवी के साथ कमल हासन और रजनीकांत मुख्य भूमिका में थे फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया था हालांकि इस फिल्म से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा है जिसमें श्रीदेवी को रजनीकांत के मुंह पर थूकना था लेकिन ये क्या श्रीदेवी ने सच में ही रजनीकांत के मुंह पर थूक दिया सेट पर मौजूद सभी लोगों ने ये देखा इसका जिक्र प्राइड ऑफ तमिल सिनेमा नाम की एक किताब में भी किया गया है इस किताब में निर्देशक भारती राजा की इस फिल्म के उसी सीन का जिक्र किया गया है तो दोस्तों आप लोगों को आज का किस्सा जो है वह कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को श्रीदेवी और रजनीकांत साहब से जुड़ा हुआ यह दिलचस्प किस्सा जो है वह आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा धन्यवाद